सो गाइस, बहुत ज़्यादा धूप निकली है आज और पीछे मैंने बहुत ज़्यादा धूप दिख सकते हैं और मैंने पूरा चश्मा उसमें कवर कर लिया है क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कोई एक्स्ट्रा फुटेज आँखों पे, मतलब सूरज का। तो मैंने पहन लिया अपना चश्मा और बाहर का आज देखो आसमान कितना मस्त लग रहा है, एक नंबर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से मेट्रो लेके, हम लोग चलेंगे अपने डेस्टिनेशन पे। अब देखते हैं अभिलाष हमको पहले कहाँ लेके जाता है। कल भी थोड़ी सी गलती हो गई थी, एक स्टेशन पहले उतर गए थे और आज भी ज़्यादातर ईस्ट हम लोग आ गए वेस्ट। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep. So, हम लोगों को बहुत तेज भूख लगा था। अभी 12:30 टाइम हो रहा है। सोच रहे थे कि मॉल जाएंगे, मगर मॉल जाएंगे तो शायद ये नहीं हो पाएगा, मतलब टाइम पे नहीं पहुँच पाएंगे। तो मैंने अपना शॉर्मा ले लिया है, अभिलाष ने भी अपना शॉर्मा ले लिया है। अब खाते हैं उसके बाद चलते हैं अपना स्टेशन। कीव स्टेशन जाने में यहाँ से शायद टाइम लगेगा आधा घंटा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। अब देखते हैं कौन सी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है। बाय द वे सामने तक खड़ी है वैसे, तो पहले खा लेता हूँ फिर मिलता हूँ। तो हम लोगों ने खाना खाने के बाद अभी जस्ट दोबारा हम लोग जा रहे हैं दूसरे वाले मेट्रो लेके चलेंगे अभी। सो ये स्टेशन कुछ ऐसा दिखता है और अभी हम लोग को दो बार मेट्रो चेंज करना है, चेंज करके जाना है बोगजाल रेलवे स्टेशन। ये जो एक्सलेटर है ये नेवर एंडिंग बोल सकते हो, इतना ऊपर तक है, लाइक यहाँ से आखिरी तक दिख भी नहीं रहा, इतना ऊपर है। दो दिन से गलती हो रही है, हम लोग फिर से बाहर आ गए थे, दोबारा हम लोगों को टिकट लेना पड़ा। और ये जो है डीपेस्ट मेट्रो लाइक ये एक्सलेटर है। सो मैं आपको टाइमिंग दिखाता हूँ कि कितना टाइमिंग लगता है नीचे जाने में। ये मैं खड़ा हो चुका हूँ और ये टाइमर ऑन हो चुका है और नीचे पहुँचते फिर आपको दिखाता हूँ। एक मिनट हो गया और हम लोग आधा रास्ता ही पहुँचे अभी तक। तो अभी तो बहुत नीचे जाना है, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं नीचे। दो मिनट हो गए अभी तक नीचे नहीं पहुँचे, अभी बहुत टाइम लगेगा, देखते हैं अभी, मतलब अभी देखते जाओ पहुँचने वाले हैं। और ये जस्ट पहुँच गया, 2:17 लगा नीचे पहुँचने में, कितना लॉन्गेस्ट। मैंने आज तक इतना लंबा एस्केलेटर पे कभी नहीं चढ़ा, इतना लंबा एस्केलेटर। सो अभी मैं आया हूँ डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन इन द वर्ल्ड, सो वो है आर्सेनल और वो जो कि कीव में ही है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग खुद जाके देख के आए और मैं खुद यहाँ पे आया हूँ देखने के लिए। सो फिर से मैं जा रहा हूँ सबसे डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन के ऊपर जाने में कितना टाइम लगता है और मैं अभी शुरू कर दिया हूँ और देखता हूँ सबसे ऊपर जाने में कितना टाइम लगता है। जो पिछले वाला गया था वो आर्सेनल का पहला वाला स्टॉप था और ये वाला आर्सेनल जो प्रॉपर स्टॉप है सबसे लॉन्गेस्ट लाइक मेट्रो डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन। अब देखता हूँ एक्सकलेटर कितने टाइम में ले जाती है ऊपर तक। सो ऑलमोस्ट पहुँच चुका हूँ और यहाँ तक आने में मेरे को टाइम लगा, देख सकते हो अभी भी चल रहा हूँ मैं। 2 मिनट, सो यहाँ तक आने में मेरे को टाइम लगा 2:27 पूरा। और अभी भी मतलब पूरा आया नहीं ऊपर, और भी ऊपर जाना है मेरे को, मैं वो भी दिखाता हूँ कहाँ तक जाना है ऊपर, और भी ऊपर जाना है। ये तो आधे रास्ते आया था, तो आप सोच सकते हो कि कितना डीपेस्ट हो सकता है कि अभी भी टाइम चल रहा है।
जस्ट पहुंचने वाला हूँ और भी ऊपर, और इसको भी 1.5 मिनट लग गया, 1.5 से 2 मिनट लग गया ऑलमोस्ट। तो अभी भी चल ही रहा हूँ, सीढ़ियाँ ख़त्म नहीं हुई है। 4 मिनट, पूरा 4 मिनट से ज़्यादा फालतू लगा, 4 मिनट 3 सेकंड लगा पूरे ऊपर तक आने में, और बीच का मैंने काउंट नहीं किया। जहाँ से हम लोग लाइक पैदल चल रहे थे वो तो काउंट ही नहीं किया, वो भी काउंट करता तो आराम से 5 से 6 मिनट लगता। तो इतना डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन है। अब हम लोग बाहर जा रहे हैं यहाँ से, फिर दोबारा हम लोगों को टिकट लेना पड़ेगा क्योंकि हम लोग एग्ज़िट लेके आ गए थे आप लोगों को दिखाने के लिए, मैं भी खुद अपने देखने के लिए। और बाहर का टेम्परेचर, बहुत हवा चल रही है वैसे तो, और बादल भी है थोड़ा बहुत। तो ये है अर्सेनल, यहाँ का सबसे डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन, जो कि मैं पहली बार आया हूँ, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है अर्सेनल। लिटरली मैं अभी नीचे आ रहा था और मेरे कान में प्रेशर फील हो रहा था कि कितना डीप जा रहा हूँ, क्योंकि अभी आया हूँ एक चेंज किया और अभी दोबारा लेना पड़ेगा। और ये कितना फास्ट है, देख सकते हो कितना, बहुत ज़्यादा फास्ट है ये। सो ऑलमोस्ट अभी 2 बजने वाला है और देख सकते हो ऊपर टाइमिंग, और अभी है की हम लोग है की बोगजल में, तो अभी चल रहे हैं सामने। तो बोगजल के बाहर खड़े थे, थोड़ा हवा भी चल रही थी, तो अरोमा कावा से कॉफ़ी ले लिया है, और यहाँ का एक ब्रांड बोल सकते हैं अरोमा कावा कि हम लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैंने कॉफ़ी हिसाब से लेते लिया है। और अभी चलना है हम लोग को बोगजल के अंदर, कि ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है और ट्रेन आने वाली है 3 बजे, और अभी 2:30 बज रही है, तो अंदर चलता हूँ, चल के आपसे मिलता हूँ। सो अभी आ चुका हूँ रेलवे स्टेशन, तो राइट साइड भी ट्रेन खड़ी है, लेफ्ट साइड भी ट्रेन खड़ी है। राइट साइड वाली जाएगी आधा लवीब तक, और लेफ्ट साइड वाली जाएगी रकीब तक। सो रकीब एक जगह है जो इवानों से भी थोड़ा सा आगे जाती है, तो हम लोग को लेफ्ट वाली ट्रेन लेना है। यहाँ का ट्रेन इंजन देखने में कुछ ऐसा है, बिल्कुल आप देख सकते हो, इंडिया वाला ट्रेन इंजन नहीं है, ये थोड़ा अलग है। सो गाइस, जैसा आप देख सकते हैं, राहुल भाई और मैं फिर से मिल चुके हैं यहाँ पर ट्रेन में। एक्चुअली हुआ यूँ कि मुझे ये मालूम नहीं था कि राहुल भाई भी आज ही जा रहे हैं, और इसी ट्रेन से जा रहे हैं। तो ये एक्चुअली ट्रेन का सबसे लास्ट का डब्बा हमें मिला, क्योंकि फर्स्ट डब्बा ही नहीं, एक्चुअली ये फर्स्ट डब्बा पहला डब्बा है, लेकिन सबसे लास्ट में है ये। हाँ, ट्रेन जहाँ से जाती है, क्योंकि आगे से जिस जाएगी ना, हमारा लगा हुआ है डब्बा, तो ये सबसे लास्ट में डब्बा था हमारा। तो हमें राहुल भाई मिले, जब मैंने एंटर किया तो हमारे अनुपम भाई ने बताया, अरे राहुल भाई भी आपके इसी डब्बे में हैं और फिलहाल ही उनकी ट्रेन है ये। तो मैं इनसे मिला, बड़ा ही खुश हुआ कि भाई एक बार फिर से हम जो है परसों मिले थे और आज फिर से मुलाकात हो गई हमारी, कोइंसिडेंस मुलाकात। तो हम लोग भी वैसे बातें बातें कर रहे थे, हाँ, और टाइम पास कर रहे थे। हमारा भी सफ़र गुजरना काफ़ी आसान हो जाएगा। एक्चुअली हमारी ट्रेन थी यहाँ पर 3:02 पे, और ये सुबह कल हमारी पहुँचेगी इवानो फ्रेंकीस, वो भी तीन बजे ही पहुँचेगी। तो हमारा सफ़र करना बहुत ही आसान हो जाएगा, बातें साथें कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं यहाँ पर। और हालांकि यहाँ पे यूक्रेनियन भी है, यूक्रेनियन से भी बतिया रहे हैं, बातें साथे कर रहे हैं। अब एक हमारे बराबर में जो है आंटी बैठी हुई है, इनसे रशियन आती है, और एक्चुअली इनसे यूक्रेनियन नहीं आती है, तो यूक्रेनियन बहुत थोड़ी आती है, तो इसलिए से हम इनसे ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमसे यूक्रेनियन आती है, रशियन ज़्यादा आती नहीं है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पर, और इसी तरह से वक्त गुजर जाएगा हमारा बातों में। और हमारे जो पड़ोस वाली लड़की कैसे लगी, छोटी वाली लड़की? हाँ, एक छोटी बच्ची थी, पूरे एटीट्यूड में बैठी हुई है। मैंने पूछा उनसे नाम वाम पूछा, उसकी माँ कह रही है कि इनको नाम बताओ, नाम ही नहीं बता रही अपनी। हालांकि उससे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है बच्ची से, लेकिन एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली थोड़ी शर्मा भी रही है हमसे, डिस्कम्फर्ट भी महसूस कर रही, क्योंकि हम फॉरनर स्टूडेंट है, और यहाँ पर बच्चे लोग थोड़ा डिस्कम्फर्ट भी महसूस करते हैं कि भाई पता नहीं कहाँ से है, कौन है, कैसे थोड़ी देर में उन लोग खेलने लग गई, पूरा हाँ ठीक हो गई थी, फिर सही हो गई थी थोड़े वक्त बाद। तो इसी तरह हमारा
हमारा वक्त गुजर जाएगा बातों बातों में। और कहाँ घूमे? मैं घुमा हूँ, ज़्यादा जगह नहीं घुमा, एक तो मैं ग्लास ब्रिज पे घुमा हूँ, वहीं उसके आसपास सेंटर पे घुमा हूँ, और यहाँ पर जो हमारा चर्च था, खूब सारे चर्च थे, दो मेन चर्च थे, वहाँ पर घूमे हैं, फोटो शोटो शूट किए, वीडियो वीडियो बनाई है, और यहाँ पर सबसे डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन पर भी गया हूँ, मेट्रो में भी काफ़ी सफ़र किया है मैं, और रेस्टोरेंट में, इंडियन रेस्टोरेंट में तो आपसे मुलाकात हुई थी, तो काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी अच्छा लगा। तीन दिन का सफ़र एकदम अचानक खत्म हो गया। ख़त्म तो हो गया, मुझे इवानों की इस तरह याद आ रही है जिस तरह मैं इंडिया में याद आ रही है, एकदम इस तरह से इवानों हमारे लिए फिलहाल ऐसा लग रहा है जैसे कि हम अपने घर जा रहे हैं। माई बाप। सो इसी तरह बातों में हमारा वक्त गुजर जाएगा और काफ़ी अच्छा लग रहा है, साथ में बातें साथ ही कर रहे हैं। ट्रेन में ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, तो मेरे को बिल्कुल दरवाजे के साइड वाला ऊपर वाला बर्थ मिला है, वहाँ पे मैं अभी रेस्ट ही कर रहा था, तो देखा कि 12:30 हो गया और मैंने कुछ शूट भी नहीं किया। बात ये है कि लाइक यहाँ पे शूट क्या करूँ, ट्रेन के अंदर था, बात बात कर रहा था सबके साथ, और यहाँ मेरे भाई थे, उधर नेहा, उधर सारे सब थे, तो मेरे नीचे वाले बर्थ पे तो एक आंटी है और उसके सामने वाले बर्थ पे एक आंटी है, दोनों ने अभी लाइक क्या पता नहीं बातें हुआ और बातें हुई जा रही है, मैं सो रहा था, इतना तेज बोलने लग गए लाइक सच में यार, मतलब गर्ल्स को या वुमेंस को थोड़ा सा भी गॉसिप मिल जाता था, उनको मज़ा आ जाता है, तो वही फिर से गॉसिप कर रहे हैं। सो अभी हो रहा है 3:25, जस्ट अभी हम लोग लैंड किए अपने वही पुराने इवानों पे, और एकदम घर जैसा फील हो रहा है, 3 दिन बाद ऐसा लग रहा है मैं घर पे वापस आया हूँ। सो फाइनली मैं अपना घर पहुंच चुका हूँ, जो कि इवानों का मेरा हॉस्टल, मेरा ये घर हमेशा ऐसे लगता है कि घर है, मैं कहीं भी गया ना सो के मज़ा नहीं आया, मतलब सोया बहुत, मगर वो जो है ना अपने बेड पे सोना उसका मज़ा तो हॉस्टल में ही आता है, तो चलता हूँ हॉस्टल में और देखता हूँ मिखाइल भाई कहाँ पे है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.